साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट का, जहां देश में इस वक्त ईडी और सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई की जद में बड़े से बड़े नेता भी पिसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव भी सीबीआई और ईडी की रडार में है। जी हाँ, लालू से जमीन घोटाले के मामले में लगातार पूछताछ जारी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार के कद्दावर नेता राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में हुआ था। लालू के करियर की शुरुआत छात्र नेता जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन से हुई। उन्होंने 1970 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियंस के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किया और 1973 में इसके अध्यक्ष बने। 1975 में आपातकाल के बाद लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जीते और पहली बार 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। 1980 से 1989 तक वो दो बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, साथ ही विपक्ष के नेता पद पर भी रहे। लालू यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बाद में उन्हें 2004 से 2009 तक केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में रेल मंत्री बनाया गया। कहा जाता है कि उसी वक्त इस घोटाले की नींव रखी गई। इन दिनों एक बार फिर से लालू चर्चाओं में है। पूरा मामला बताते चले कि 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ था। कहा यह भी जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लाट लिए गए। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि लालू के साथ उनके करीबियों पर भी गहरा संकट मंडराया हुआ है। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई टीम लालू से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई और ईडी की टीम परिवार के हर सदस्य से पूछताछ कर चुकी है। ईडी अधिकारियों ने बिहार, दिल्ली, एनसीआर, रांची और मुंबई समेत कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। छापेमारी में 1 करोड़ रुपए और $1900 भी मिले हैं। इसके साथ ही 1.25 करोड़ के गहने भी बरामद हुए हैं। सीबीआई इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत चार्जशीट दायर की है। अधिकारियों ने बताया कि सभी आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया गया है। वहीं लालू के करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी ईडी ने रेड डाली थी। इस दौरान ईडी की टीम ने सेप्टिक टैंक की खुदाई भी की है। नौकरी के बदले जमीन केस में ईडी ने बताया कि ये 600 करोड़ रुपए का घोटाला है। 24 जगह छापे मारे गए हैं। छापेमारी लगातार जारी है। इसमें 1 करोड़ कैश मिले हैं। इधर ईडी की रेड के बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। जांच एजेंसी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा, जिसके बाद तेजस्वी ने पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने वक्त मांगा। करीबियों पर हुई छापेमारी से राजनीतिक गलियारों में कई नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये प्रतिक्रिया गौरव भाटिया, तेजस्वी समेत अखिलेश यादव ने दी है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कहते हैं कि अरे इनकम टैक्स का छापा उन पे ना पड़े तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो गुजरात के लोग तो इस बात को जानते हैं, वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। मैंने एक बार कहा कि ईडी है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी, आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। ईडी है एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी, आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा।
बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही है। हम आपको बता दिए 17 में हुआ था, फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, सब कुछ हो गया था, क्या हुआ? काहे नहीं उस समय हुआ था? केसीआर की बेटी कविता को क्या बोले? एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना उन लोगों को, रोज बोलना पड़ता है। तब भी वही नीतीश ने प्रतिक्रिया में कहा कि बिहार में हम जब साथ आते हैं तो रेड शुरू हो जाती है। 2017 में भी ऐसा ही हुआ था और अब 5 साल बाद भी वही हो रहा है। और इतना ही नहीं, इस मामले में सब आगे आगे भाग रहे हैं, कोई किसी से पीछे न रह जाए तो इधर रेड पड़ने लगती है। नीतीश कुमार जी पहले बार बार आरोप लगाते थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी। 27 सितंबर 2021 जनता दल यूनाइटेड का एक ट्वीट है, नीतीश कुमार जी द्वारा ही किया गया हो, क्या कहता है? नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहिए कि जिस लालूवाद विचारधारा से आप आते हैं उसी विचारधारा ने बिहार के तमाम किसानों के साथ छल किया। जमीन दो नौकरी लो के नाम पर जमीन लिखवा ली गई और उसमें चरवाहा विद्यालय खोलकर महापाप किया। ये नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। आप कह रहे थे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, आज कार्रवाई हो रही है तो जनता ये जानना चाहती है कि पलटू राम आपको जनता इसीलिए कहती है। आप कभी कोई स्टैंड लेते हैं और अगर सहूलियत होती है तो पलट जाते हैं। क्या आपने ये मांग नहीं करी थी नीतीश कुमार जी कि लालू प्रसाद यादव जी पे, राबड़ी देवी जी पे, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश और लालू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने नौकरी के बदले जमीन ली है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, नीतीश कुमार अवसरवादी नेता है। बिहार में नीतीश की सरकार है तो क्या आखिर लालू के साथ नीतीश साथ दे रहे हैं? महागठबंधन सरकार की मियाद कितनी है ये या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बता सकते हैं या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बता सकते हैं। नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कुछ साफ नहीं कहा कि शुरू से लेकर अब तक हमने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो लालू यादव के परिवार पर ईडी की पैनी नजर है और आखिर ये कार्रवाई कब तक खिंचती है और आखिर कब तक यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए प्राइम टीवी।